बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ, एक लेटेस्ट अपडेट के साथ आप लोगों को इन्फॉर्म करते चलें कि बीएस नर्सिंग की जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट मॉर्निंग की जो है वो अपलोड कर दी गई है। इसमें जो है वो मेल जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो अप्लाई किया था उसकी भी जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट अपलोड की गई है, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स की भी जो है वो अपलोड कर दी गई है। इसमें जिन स्टूडेंट्स ने अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की गई थी उनको ऑटोमेटिक जो है वो कैंसिल कर दिया गया था, उनके एडमिशन को कैंसिल कर दिया गया था, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने जो है वो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स जो है वो उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो ओपन की हुई है, और इसमें जो है वो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है वो नाम आया हुआ है। यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं तो मेल में 100 ही सीट्स हैं। जारी सी बात है, इसमें अपग्रेडेड सेकेंड मेरिट लिस्ट लगाने का यही मकसद है कि जिन जो स्टूडेंट्स ने जो है वो अपनी विलिंगनेस जो है वो शो नहीं की होगी या कहीं और उन्होंने एडमिशन ले लिया होगा तो उनका जो है वो फिर नाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया होगा, उसके बाद जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो फिर लगाई गई है। इसके बाद हम जो है वो फीमेल की लिस्ट ओपन कर लेते हैं जो मॉर्निंग की लगाई गई है। इसमें जो है वो आप अपना नेम सर्च भी कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट जो है वो 1600 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है वो इस लिस्ट में नाम आया हुआ है। आप जो है वो अपना नेम सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो एक नया तरीका का जो है वो वजह किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको अपनी विलिंगनेस लाजमी तौर पे जो है वो शो करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है वो आपका जो है वो एडमिशन उसको जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने अपनी विलिंगनेस जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो शेयर करनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई हैं पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम के तहत। और 23 जनवरी तक का स्टूडेंट्स को टाइम दिया गया है कि वो लॉगिन करके अपनी विलिंगनेस शो करेंगे, अदरवाइज उनका जो है वो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो है वो बीएस नर्सिंग के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट हदायत हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनको जो है वो आपने केयरफुली रीड कर लेना है। अगर आपका नाम मेरिट में आ गया है तो रजामंदी लाजमी तौर पर जाहिर करें, ये एक लाजमी जुज है। अगर रजामंदी जाहिर ना की तो आपका नाम अगले मेरिट लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। रजामंदी के लिए गिवन का इंतखाब की सूरत में आपके पास ऑप्शंस दर्जा जैल हैं जो है वो इसके बाद अगले राउंड के लिए यानी कि अगली मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अगली मेरिट लिस्ट के में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपने जो है वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने रजामंदी जाहिर करते हुए नॉट गिवन का इजहार किया तो आपका नाम जो है वो फिर मेरिट लिस्ट में अगली जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें जो है वो नहीं आएगा। अगली तमाम मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए हर मेरिट लिस्ट में रजामंदी का इजहार जो है वो लाजमी तौर पर गिवन करना होगा। अगर आप अपनी रजामंदी जाहिर नहीं करते या नफी में इजहार करते हैं तो आपका दाखिला मनसूख कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो वीडियो गाइड के लिए भी जो है वो एक ऑप्शन दिया गया है, इससे जो है वो आप वीडियो भी देख सकते हैं कि जो है वो पंजाब की तरफ से किस तरह से जो है वो आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने जो है वो गिवन के ऊपर क्लिक करना है। तो इसी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, इनको जो है वो आपने केयरफुली रीड कर लेना है और स्टेप बाय स्टेप इनको जो है वो आपने फॉलो करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।